हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ हेल्दी पैनकेक्स की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये पैनकेक्स हेल्दी मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैं इसमें आटे का यूज़ करूंगी, मैदा का यूज़ नहीं करूंगी। तो हमने एक कटोरी आटा लिया है, उसके बाद हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे, फिर हमें इसमें दूध मिक्स करके इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। तो पेस्ट की कंसिस्टेंसी क्या होगी ये मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद हम तवे को गरम कर लेंगे। आप चाहे तो नॉर्मल तवे पर भी बना सकते हैं या फिर नॉनस्टिक तवा। तो मैं उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी, उसके बाद मैं अपना ये बैटर डालूंगी तवे पर। तो हमें कुछ इस तरह के छोटे छोटे बनाने हैं पैनकेक्स। उसके बाद मैं साइडों में थोड़ा सा ऑयल और लगा दूंगी। उसके बाद मैं इसको किसी ढक्कन से ढक दूंगी ताकि जो ये ऊपर की साइड है थोड़ी सी ड्राई हो जाए। तो मैंने इसको ढक्कन से ढक दिया है। अब मुझे थोड़ा सा वेट करना है। मैं गैस को बिल्कुल कम ही रखूंगी ताकि हमारा पैनकेक जले ना। अब ये ऊपर से बिल्कुल ड्राई सा हो गया है। अब मैं इसे अच्छे से पलटूंगी। तो ये हमारा पैनकेक रेडी है। आप चाहे तो इसे किसी भी चीज़ से टॉपिंग कर सकते हैं। आप इस पर हनी भी डाल सकते हैं, बनानास डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर चॉकलेट स्प्रेड लगाऊंगी, मुझे उससे ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। और बच्चे इसे बहुत ही शौक से खाते हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो 3-4 पैनकेक्स बना के एक के ऊपर एक रख के लेयर बनाकर भी खा सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये हेल्दी पैनकेक्स पसंद आए होंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।